हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीएस टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे एक्सेल के होम टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर वाले ऑप्शन के बारे में। दोस्तों, इससे पहले यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। मैं प्रत्येक ऑप्शन के बारे में डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ 5 पार्ट में। अगर आपने वीडियो नहीं देखे है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां पर जाके वीडियो को जरूर देखें। करते हैं आज की वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मैं जयपाल सिंह, लेट्स बिगिन द टॉपिक। सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा दोस्तों आपको यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर का। अब यहाँ पे सॉर्ट का काम क्या होता है? सॉर्ट का काम होता है डेटा को सॉर्ट करवाना। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक डेटा है, मैं इस डेटा को यहाँ पे सॉर्ट करना चाहता हूँ। यानी कि जो मेरे डेटा में माउस वाला डेटा या चार्जर वाला डेटा, एलईडी वाला डेटा भी आप देख पा रहे होंगे अलग अलग है। मैं चाहता हूँ ये सीरियल वाइज आ जाए, जैसे कि माउस वाला डेटा एक सामने आ जाए, एलईडी वाला डेटा एक सामने आ जाए और चार्जर वाला डेटा एक सामने आ जाए। तो ये एक सामने कैसे आएगा सारे, इसके लिए हमें क्या करना होता है? डेटा को सॉर्ट करवाना होता है। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, ए टू जेड और जेड टू ए का। इसमें से आप दोनों में से किसी एक का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं डेटा को सॉर्ट करवाने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सॉर्ट करवाने के लिए हमें डेटा को सिलेक्ट करना पड़ता है और डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, क्लिक करके किसी एक ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, सॉर्ट ए टू जेड और सॉर्ट जेड टू ए, दोनों में से एक पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरा डेटा यहाँ पे सॉर्ट हो चुका है। जो चार्जर वाला डेटा था वो एक सामने आ गया, जो एलईडी वाला डेटा था वो एक सामने आ गया, जो मोबाइल वाला डेटा था वो एक सामने आ चुका है। तो इस तरह हम डेटा को यहाँ पे सॉर्ट करवा सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे कस्टम सॉर्ट का। अब इसका काम क्या है, यहाँ पे दोस्तों हम एक कस्टम लिस्ट तैयार कर सकते हैं। कस्टम लिस्ट कैसे, जैसे मैं आपको एक डेमो दिखा सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नाम टाइप करता हूँ, नाम टाइप करने के बाद अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग नेम आएंगे। तो इसको हम ड्रैग करते हैं और ड्रैग करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अलग अलग नेम आ रहे हैं। तो ये अलग अलग नेम कैसे आते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे कस्टम लिस्ट तैयार करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके हम जाएंगे कस्टम लिस्ट पे और यहाँ पे ए टू जेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे कस्टम लिस्ट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो मैंने पहले कस्टम लिस्ट बनाया नेम को यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब आप जानते हो कि हम जैसे एक्सेल में मंडे ट्यूजडे लिखते हैं तो पूरे संडे मंडे ट्यूजडे आ जाते हैं, या हम एक्सेल में केवल जनवरी फरवरी लिखते हैं, हम उसको ड्रैग करते हैं तो पूरे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून आ जाता है। तो वो कैसे आता है, तो एक्सेल में कस्टम लिस्ट बनाया रहता है पहले से ही। अगर हम नेम को बनाना चाहते तो यहाँ पर हम नेम को कस्टम लिस्ट ऐड कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने का मैं यहाँ पर ओके करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर कोई नाम टाइप करूंगा, देखते हैं यहाँ पे नेम अपने आप आ रहा है या नहीं आ रहा। मैंने नेम टाइप किया रोहित, रोहित टाइप करने के बाद मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करूंगा तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर केवल रोहित आ रहा है और कोई भी नेम चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम कस्टम लिस्ट तैयार करेंगे तब यहाँ पर नेम चेंज होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे यहाँ पे और जाएंगे कस्टम सॉर्ट पर, यहाँ पे कस्टम लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, नेम टाइप करने पड़ेंगे जिस नेम का हम कस्टम लिस्ट तैयार करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे दो चार नाम टाइप कर लेता हूँ, मोहित, और नेम टाइप करने हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा। आप देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पे चार नाम टाइप कर लिया, उसके बाद मैं इसको ऐड कर लूंगा। ऐड करने का मुझे क्या करना है, यहाँ पे ओके कर लेना है। ओके बाद में दोबारा यहाँ पे ओके कर लूंगा। अब मैं उन चार में से यहाँ पे कोई भी एक नाम टाइप करूंगा। हमें क्या करना है, जो भी नेम वहां पर हमने लिखे हैं उसमें से कोई एक नेम यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक नेम टाइप कर लिया, अब उसके बाद मैं इसको ड्रैग करूंगा। तो ड्रैग करने के बाद देखेंगे आप यहाँ पे अलग अलग नेम आएंगे। तो आप समझ चुके होंगे यहाँ पे कस्टम सॉर्ट किस तरह तैयार किया जाता है। अब इसके बाद अगला ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे फिल्टर का। दोस्तों फिल्टर का काम क्या होता है, डेटा को सॉर्ट करवाना। यहाँ पर आप फिल्टर लगाने के लिए शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। इसका काम क्या होता है कि जैसे कि मेरे पास यहाँ पर डेटा है, बहुत सारा डेटा दिख रहा है, मैं चाहता हूँ कि मेरे डेटा में जो माउस वाला डेटा है वो डिस्प्ले हो, बाकी सारा हाइड हो जाए, या जो एलईडी वाला डेटा वो डिस्प्ले हो, बाकी सारा हाइड हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे फिल्टर। फिल्टर लगाने जाएंगे हम लोग सॉर्ट एंड फिल्टर पर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सॉर्ट एंड फिल्टर लग चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने का हमें क्या करना, सबसे चेक हटा लेना है। उसके बाद क्या करना, जो डेटा हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उस पर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो केवल माउस वाला डेटा डिस्प्ले हो रहा है, बाकी सारा हाइड हो चुका है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ केवल मोबाइल वाला डेटा दिखाई दे
वो सारा हाइड हो जाए। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे चेक हटा के या माउस वाले से चेक हटा के मोबाइल पे क्लिक करके ओके कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो केवल मोबाइल वाला डेटा डिस्प्ले हो रहा है और सारा हाइड हो जा रहा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कर देना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। इसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा फाइंड एंड सिलेक्ट वाले ऑप्शन के बारे में। दोस्तों मैं यहाँ पर बहुत छोटी वीडियो बनाता हूँ ताकि समझने में आसान रहे। अगर मैं वीडियो को ज्यादा बड़ी बनाऊंगा तो क्या होता है कि वीडियो को समझने में टाइम लग जाता है।